लेकिन हम देखते हैं कुछ कुछ लोग तो ऐसे होता है बेजा सोचता है हमें कौन ना जाए, हमें तो यहीं रह रहे हैं। महात्मा कबीर दास जी कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में कि जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, कष्ट तो होगा। जरा सोचो जिस घर में हम बरसों से रह रहे हैं उस घर से हमें कोई जबरदस्ती निकाले तो फिर कष्ट तो होगा। वो कहते हैं आरी का करे औरी गुइया और जाती नये महात्मा कबीर दास जी कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं अगर हियन के रिश्तों हेतु रिश्तेदार मतलब आ जाए, हियन के रिश्तेदार आ जाए उनसे जको भैया आज ना कल बुला ले जे कल ना है परसों परसों ना है दो चार दिना के बारे तो भी मान जाता। अगर उनसे रिश्तेदार आए गए तो बे नहीं माने। दिनों सजन बुलाई बे आ घर घर लगे बुलावा, चार दिन सजन बुलाई बे घर घर लगे बुलावा, चार कार लगी डोली बे और आगे चले नवारी का करे और संग संगाती सब जुड़िया पर कोई ना संग जबैया, हेतु रिश्तेदार कोई साथ नहीं जाते, जाते हैं कहां तक जाते हैं केवल मरघट तक बस, वहां से आगे तो कोई बढ़त ही ना है। और इंसान सारी जिंदगी भागता फिरे लेकिन मरघट से ज्यादा कोई कभी भाग ही नहीं पाया। एक बात और कहूं, आजकल ऊंची चोटियों पर जाना पहाड़ों पर आसान है और अब तो चांद पर भी जाना आसान है लेकिन खुद के अंदर जाना आसान नहीं है। बोलते हैं संग संगाती सब जुड़ियां पर कोई ना संग जबैया, कहे कबीर सुनो भाई साधु आत्मा और परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है, लेकिन कैसे हो दुलिया सजाए बन जाते, अरे मिलनो कैसे हो दुलिया सजाए बन
आइए गौर करते हैं अब यहां।